नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ईटीएफ को लेकर। रिसेंटली ईटीएफ जो है मिलना स्टार्ट हो गया। जैसे आपको बताएं कि बहुत लोग बोल रहे थे कि एसईसी अब किसी को भी ईटीएफ देने वाला है नहीं, क्योंकि चाहे कोई भी कोशिश कर ले ईटीएफ नहीं मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर उस चीज़ को लेकर अपडेट आ रहा है कि ईटीएफ मिलना शुरू हो गया है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या प्रोबेबिलिटी है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। साथ में मार्केट में जो अपडेट्स हैं उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे जो मैं नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई कॉल्स अपडेट्स हिंट आते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो मुझे आपको शेयर करनी है बताना है, मैं टेलीग्राम चैनल पर बहुत पहले बता देता हूँ। तो मेक श्योर टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया उस पर टैप करके इंस्टेंटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप चेक करेंगे तो एक चीज देख सकते हैं कि यूएस के बीच में एसईसी का एक हमेशा से अपडेट आ रहा था कि एसईसी किसी को भी जो है ईटीएफ का लाइसेंस नहीं देना चाहता था, यानी इसको टालमटोल कर रहा था। जैसे कि चाहे ब्लैक रॉक कंपनी हो जाए, फाइडलिटी हो जाए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, कोई भी कंट्री को हिला सकती हैं, तो वैसी कंपनी भी कहीं ना कहीं यूएस के शेक से भीख मांग रही थी कि हमें ईटीएफ का परमिशन चाहिए, हमें परमिशन दीजिए। फिलहाल उनको यहाँ पर जो है पेंडिंग में डाल दिया गया था। पर उन्हीं में से एक छोटा सा फर्म आप कह सकते हो कि उस फर्म की कोई खास वैसी मार्केट में लोग उनको जानते भी नहीं थे, वैसे फर्म को एक परमिशन मिल गई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक फर्म है जो कि प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है और जिसको यहाँ पे लाइसेंस मिला। लोग सोच भी नहीं सकते कि इस कंपनी को लाइसेंस मिलने वाला था। तो शायद यहाँ पे वही चीज़ होती है जो लोग कभी सोचते नहीं है, वैसे कुछ हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर वही वाला यहाँ पर घटा है। तो ऐसा नहीं है कि इनको यहाँ पर मिल गया। तो फिलहाल यहाँ पे ये बंदा अपने आप में बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ के बीच में इन्होंने फील करा होगा, तभी जाकर मिला होगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो अपडेट आई थी उसमें साफ ही देखने को मिल रहा था कि एसईसी के अकॉर्डिंग कि ब्लैक रॉक, फेडलिटी, इन लोगों ने जो भी फर्म में अपना जो डॉक्यूमेंट सबमिट करा था वो डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं सही नहीं थे, उनमें से कुछ चीज़ें गलत थी। तो शायद यहाँ पर दोबारा से वो अगर सब कुछ डालते हैं तो उनका नाम आ जाए, शायद उनको यहाँ पर मिल जाए लाइसेंस। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसे इस चीज़ का नाम सर्च करा तो इसके ईटीएफ को लेकर वॉचर गुरु हो गया, या फिर कॉइन जर्नल हो जाता है, इवन यहाँ पे वैन जिंगा हो जाता है, कॉइन डेक्स हो गया, या फिर और बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि आर्टिकल पोस्ट कर रही हैं कि हाँ भाई इसको जो है मिलना स्टार्ट हो गया, या फिर कुछ लोगों का कहना कि इनको मिल सकता है, ऐसे ऐसे लोग पोस्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि अप्रूवलिटी जो है अप्रूवल को लेकर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर वो यहाँ पर फेयरली हाई जो है इसको मिल गया, तो ये अब कहीं ना कहीं मार्केट के बीच में बहुत बड़ी बात है कि चलो भाई एक कंपनी को मिला तो सही। अब ये जैसे ही यहाँ पे इनको मिलने के बारे में बात आई जो कि कल अपडेट आई थी, तो जैसे ये जो सीन है मंडे को निकल के आया, निकलने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस में कल से लेकर अभी तक के बीच में 30,000 से 31,000 का सफ़र जो है बिटकॉइन ने तय कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस आप चेक कर सकते हैं कि बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट जो अपने प्राइस के बीच में एक अच्छी खासी जो बढ़त है बनाई है, लगभग $31,000 तक ये गया था, अगर आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा आपका बिटकॉइन 24 आवर का अगर आप चार्ट चेक करेंगे इसका, तो इसमें आपको ये दिखाएगा कि इसने लगभग जो है $31,400 तक मूवमेंट लिया है लगभग इस एवरेज से। अगर आप देखेंगे तो $30,600 तक ये था, इससे बढ़ता हुआ ये अप्रॉक्स $31,400 तक जाकर आया, यानी कि सीधा सा इसका फंडा यही है कि इसने ऑलमोस्ट जो है अपने प्राइस से लगभग अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दिया $800 तक यहाँ पर सिर्फ कुछ घंटों में। अगर इसमें स्पॉट ट्रेड में जिन लोगों ने प्रॉफिट लगाया होगा तो उनको तो कमी प्रॉफिट हुआ होगा, बट अगर कोई बंदे फ्यूचर ट्रेड में ट्राई करते होंगे और किसी ने इस एवरेज तक फ्यूचर ट्रेड करा होगा तो उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न निकाला होगा, एक अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करा होगा। तो ये फ्यूचर ट्रेड के लिए बेस्ट था। और अभी रेट में जो है कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है, जो जिन लोगों ने बाइंग बनाई थी वो लोग थोड़ा सेलिंग कर रहे हैं। तो शायद अगर ब्लैक रॉक हो गई या फिर और बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको अगर कहीं ना कहीं ईटीएफ का परमिशन मिलता है तो शायद यहाँ पे मार्केट का जो माहौल है वो चेंज हो जाएगा और प्राइस के बीच में भी एक अच्छा खासा फ़र्क हमें देखने को मिल सकता है। यानी जो अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है आपको बीटीसी का प्राइस $31,000 तक, ये ऊपर भी जा सकता है। अगर देखा जाए डॉलर्स के बीच में तो आपका टोटल मार्केट कैप $1.26 ट्रिलियन के आसपास का है, जो कि कल की डेट के बीच में थोड़ा डाउन था बट अभी थोड़ा रिकवर हुआ है। और INR में देखा जाए मार्केट कैप तो लगभग आपका 100 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया INR के बीच में। तो डॉलर और INR में बहुत फ़र्क है, जैसे आपको पता है कि अपने INR की वैल्यू थोड़ा डाउन है और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है। तो इवन अगर आप देखेंगे तो ये सुबह जो था 100 ट्रिलियन के आसपास था और अभी फिलहाल 99 ट्रिलियन तक पहुँचा है, तो शायद ये भी कुछ दिन में अगेन हिंट हो जाए, फिर से 100 से ऊपर जा सकता है। और जहाँ तक बात रही पॉलीगोन मैटिक को लेकर तो मैटिक का प्राइस ऑलमोस्ट 2.5% तक वापस हो रहा है। फिर यहाँ पे ईडीएम थोड़ी बैकअप आई है, इवन यहाँ पे आपका देखोगे तो स्टीलर में लगभग 3% डाउन है और फिर इसके नीचे फाइल कॉइन में लगभग देखोगे तो 1% डाउन है।
लीडो की बात करिए तो 1% ये ग्रोथ कर रहा है। ऑप्टोस की बात करिए तो इसने लगभग 11% का रिटर्न लगभग हासिल कर लिया है 24 आवर में। और इसके साथ में अगर आप देखते हैं कि अपने क्वेंट की, तो क्वेंट ने ऑलमोस्ट जो है 1.48% डाउन है। द ग्राफ की बात करिए तो ये 0.2% बैकअप ले रहा है। इवन आवे की बात करिए तो आवे भी 3% है। और STX में 0.75%, MKR लगभग 6% के आसपास यहाँ पर ग्रोथ ले रहा है। तो ये थे टॉप 50 कॉइन जिनके बीच में रेंडर का आपका देख रहे हो 54 पे आ रहा है और ये ऑलमोस्ट 6% ग्रोथ ले रहा है 24 आवर्स के अंदर में। तो रेंडर का तो सीन अलग ही है, इसको तो हमने ऑलरेडी पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो इसलिए इससे तो प्रॉफिट हमें देखने मिलते ही नज़र आ रहा है। पेपे की बात करिए तो पेपे भी ऑलमोस्ट 24 आवर में लगभग जो है 7% तक ग्रोथ लेकर गया है। और 24 आवर की बात करिए तो यहाँ से इसका जो प्राइस है लगभग चल रहा था यहाँ पे, और थोड़ा बिटकॉइन की बैकअप की वजह से इसके प्राइस में थोड़ा सा मूवमेंट आया था। तो मार्केट में नॉर्मली चल रहा है, कोई खास ऐसा हम ये नहीं कह सकते वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ETF की वजह से थोड़ा सा मार्केट में मूड चेंज हुआ था बिटकॉइन का, पर वैसे ही फिर थोड़ा सा ठीक ठाक आना स्टार्ट हो गया है। तो ये सीन था, मार्केट का अपडेट थी। तो आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दी मैंने। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी डेफिनेटली वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा था आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जो है नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर कोई कॉल्स अपडेट्स हिंट आते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट्स है जो मुझे शेयर करनी है आपको बताना है, मैं टेलीग्राम पे बहुत पहले बता देता हूँ, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो मस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो मिलते दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।